टाइगर 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 दीवार से बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं देता हूं आज के दिन। धन्यवाद। बहुत साधारण सा दिन है और कुछ खास रखा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज करवा चौथ भी है और घर में जितनी महिलाएं हैं वो सब व्रत में हैं और व्रत तोड़ेंगी चांद देखने के बाद, तो हमने कुछ खास रखा नहीं है। परिवार के साथ ही अगर आज का दिन बीत जाए बस यही मेरी काम। मिस्टर बच्चन, बहुत 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 बधाई हो आपको। लुकिंग वेरी हैंडसम आल्सो सर। इस उम्र में कहाँ लगेंगे वो हैंडसम। डेफिनेटली हर बर्थडे को ऐसा क्या आप करते हो, मतलब हमेशा के एवरी बर्थडे यू डू सर्टेन थिंग्स, जैसे आपने कहा कि बाबूजी और अपने मदर के आशीर्वाद तो प्रतिदिन हम लेते हैं। डेफिनेटली। और क्योंकि हमेशा हमने ऐसा माना है कि माँ बाबू जी हमारे प्रतीक्षा में ही हैं उनके जाने के बाद भी, तो प्रतिदिन काम पे निकलने से पहले या कभी भी उनका आशीर्वाद लेकर के जाता हूँ। आज भी उनका आशीर्वाद लिया और आपके सामने है। बस कोई खास नहीं करता जी। आज करवा चौथ है, आप भी हर साल व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो जो केक है आज रात को 12 बजे चांद आने के बाद खाने को मिलेगा या कल खा चुके हैं? आमतौर पर मैं भी रखता था व्रत, लेकिन अब कुछ ऐसी शारीरिक परिस्थितियां ऐसी हो गई, कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं तो उसके लिए हमें भोजन करना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर्स ने मना किया है कि मैं फास्ट में रखूं। लेकिन सहमति रहती है और हमारा सब प्यार जो है परिवार की जितनी महिलाएं हैं सब उनके साथ रहता है। अभी सारा समय उनके साथ बिताएंगे और जब रात को वो चांद देखने के बाद उनका व्रत टूटेगा तब फिर भोजन करेंगे उनके साथ। हमें जी सबसे खास तोहफा आज के दिन पे कौन सा मिला है? अभी मिलने वाला है। घर के लोगों ने कल रात को भोजन पे अपनी तरफ से स्नेह प्यार जताया, लेकिन जो सबसे अहम तोहफा है वो है आराध्या। वो अभी सो के उठी नहीं है, अभी उनसे जा करके मिलूंगा क्योंकि मैं पहले ही घर से निकल आया, उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि वो क्या देती, फिर आपको बताऊंगा। अमित जी, ये जो पोशाक है आपकी काफ़ी खास है और काफ़ी बेहतरीन लग रही है और हर साल आप और जवान होते हैं, तो क्या कारण है इसका? आप लोगों का स्नेह और प्यार है और जनता का स्नेह प्यार है। आप लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ी सी आशा है हमारे मन में अंदर काम करने की और आगे बढ़ने की। और पोशाक जो है ये हमारे आबू संदीप हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और परिवार की तरह हैं। हर त्यौहार पे वो हमें
कुछ नया लिबास पहनने को दे देते तो आज उन्होंने ये दिया है। मिस्टर बच्चन, अगर आपकी बात करें तो कई सारे लोग हैं जो बम्बई शहर में आते हैं आपके जैसा बनने के लिए, कई अरमान होते हैं उनके, आपके कौन सा ऐसा एक अरमान बाकी है जो आपको लगता है कि वो मुझे पूरा करना है अभी? सबसे पहले तो उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी तरह बने, क्योंकि बड़ा कष्ट उनको उठाना पड़ेगा। बहुत से और भी रास्ते हैं और बहुत से और अव्वल लोग हैं जिनको उनका एक उदाहरण मान करके उनको चलना चाहिए। अरमान तो देखिए प्रत्येक इंसान के अंदर होता है प्रतिदिन, और प्रतिदिन कोई ना कोई एक चुनौती आती रहे हमारे जीवन में जिसके साथ हम जूझ सकें, जिसके साथ लड़ सकें। कोई हमने लक्ष्य कभी बनाया नहीं था अपने जीवन में, और ईश्वर की कृपा रही है, आप सब लोगों का स्नेह प्यार रहा है, जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ है वो मैं अपने आप को काफ़ी संपन्न मानता हूँ। अमित जी, आपके बहुत सारे फैंस अभी आपको देख भी रहे हैं, बाहर भी खड़े हैं, कुछ चंद पंक्तियां अगर आप बाबू जी की उनके साथ शेयर करना चाहें इस अद्भुत दिवस के दिन। अब पंक्तियां तो बहुत सी हैं और बाबू जी की लेखन जो है वो बहुत विस्तार है। बाबू जी हमेशा ऐसा कहते थे कि जन्मदिवस के दिन केक आता था, मोमबत्ती लगती थी, तो उनको ये लगता था कि ये इसमें कहीं भारतीयता जो है वो नहीं है, तो अब खोए का केक बनता है और उसमें मोमबत्तियाँ वगैरह नहीं जलती हैं। लेकिन उन्होंने एक जन्मदिवस के दिन बहुत 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 सालों पहले उन्होंने वर्षनव हर्षनव जीवन उत्कर्षनव एक कविता लिखी थी, तो वही पंक्तियाँ हम लोग घर में भी दोहराते हैं और अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए भी। बच्चन साहब, आपके बहुत सारे फैन देश विदेश से आए हैं दुआएं लेकर। आज हमने एक ऐसा फैन देखा